आप सभी को मेरा राम राम। शीतल ब्लॉक भद्रकाशी की देवभूमि में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है वो मैं 2-3 दिनों के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है, यहाँ पे ही नहीं हर जगह पे सुनने में आ रहा है तो बारिशें भी हो रही है, इसीलिए जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे भी आजकल अच्छा मौसम है। हमारे भद्रकाशी में तो बहुत ही अच्छा मौसम है, कभी धूप कभी बारिश निकल रही है। आप देख रहे होंगे जून के महीने में भी ऐसी से ऐसी स्वेटर लगाने को कहाँ मिलती है। तो अब मैंने तो नहीं बोलना, काफ़ी कम किया मैंने तो बोलना, लेकिन फिर भी मुझे फुलहाग में जैसे कैमरा ऑन होता है मुझे निकलता ही नहीं कुछ तो याद आ जाता है। अब मैं आपको पहले मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि आज ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो मैं 5 बजे कर रही हूँ। अभी 5 बजे का टाइम है, धूप निकली है, दिन को तो बड़ी बारिश थी। अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कि धुंध छाई हुई है, कोहरा, आप शायद कोहरा बोलते हो, हम धुंध बोलते हैं, धुंध छाई हुई है। और हमारा जो भद्रकाशी है वो कितना प्यारा दिख रहा है, ये रहे देखिए आप कितना ग्रीन ग्रीन हो गया है, और पहाड़ों पे इतनी धुंध छाई हुई है। हम धुंध ही बोलते हैं तो धुंध ही निकलता है, आपको समझ आ जाएगी इसको देख के, कोहरा और आसमान में बादल बोल रहे। कल तक दिखाया, कल के बाद तो मौसम वैसे भी अच्छा ही दिखाया है। ये देखिए ऐसा मौसम है, ये सारे लग रहा है जैसे बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये सब धुंध है। आसमान कभी पता नहीं चलता, मिनट में बारिश आने शुरू हो जाती है। अभी मैं वीडियो बनाते बनाते मुझे रेनबो दिखी, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ, आपको भी नज़र आ रही होगी, ये देखो कितनी प्यारी रेनबो है। जिन्ना बोल रही है कोई लड़की है जो आ रही है, रेनबो आ रही है। अब क्या बोलूँ मैं, रेनबो आ रहा है, अब मुझे भी नहीं पता रेनबो आ रहा बोलते कि रेनबो आ रही है। जिन्ना कन्या राशि ये देखो जिन्ना इतना प्यारा दिख रहा है, वाह। आप ये देख रहे होंगे ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये कुछ भी लगाया नहीं है लेकिन खाली घास है, ये घास उगी हुई है। और ये जो नए घर बन रहे हैं, कुछ घरों का काम लगा हुआ है लेकिन बारिश की वजह से रुका हुआ है। ये देख रहे हैं आप जो आशापति अपने वरांडे में से मैं दिखाती हूँ, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा आज की धुंध की वजह से, बिल्कुल बंद है। कैलाश पर्वत भी नहीं दिख रहा, खाली धुंध दिख रही है। अब सन्ना का रिएक्शन देखेंगे, रेनबो सन्ना रेनबो देखी, वो देख वो देख वो देख, उधर आशापति के उधर से अब थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट दिख रही है। कैसी दिख रही है, कैसी दिख रही है? अच्छा आप तो खत्म पे इतनी सी है, इतनी सी रेनबो दिख रही है। सन्ना ने भी रेनबो, सन्ना रेनबो देखी, इतनी देर आवाज लगाई। सन्ना हमारी देखो बीमार थी तो कैसे सूख सूख कि 2 दिन में मौसम ठीक नहीं है यहाँ पे, कभी धूप कभी छाँव, तो उसकी वजह से सन्ना को फीवर चढ़ा था। आज सन्ना थोड़ी सी ठीक है, स्कूल में भी तभी छुट्टी मारी, ठीक है। अभी आपसे बात करते करते देखो आपको धूप भी दिख रही होगी लेकिन बारिश की बूंदें भी थोड़ी थोड़ी मेरे ऊपर पड़ रही हैं, तो पता नहीं कब जैसे अब तेज़ हो जाएगी। उससे पहले बारिश तेज हो जाए मैं आपको अपने किचन गार्डन में ले चलती हूँ। किचन गार्डन तो थोड़ा सा ही है, छोटा सा, लेकिन फिर भी है जो कुछ लगाया हुआ है उसमें मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये रहा हमारा किचन गार्डन छोटा सा जो अब पक गया, तो इसमें तो नहीं अब दूसरे में लगाया हुआ है, ये हमने सर्दियों में जो लगाया था वो पक गई है। यहाँ पे साथ में गुलाब के फूल भी हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? गुलाब के फूल आपको पसंद है या नहीं आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं गुलाब के फूल। ये देखो ये जो है ये हंद्री है, कास्मिक हंद्री, आपको दिखाती हूँ कास्मिक हंद्री कैसी होती है। ये देखिए इसके पत्ते ग्रीन ग्रीन पत्ते लगे हुए हैं। अब इस बारिश के मौसम में कीड़ा भी होता है, ये देखिए आप सोच देख रहे होंगे इतनी ग्रीन सब्जी। ये जो कास्मिक हंद्री होती है ना ये बहुत ही अच्छी होती है, खाने में थोड़ा कड़वापन देती है, लेकिन अगर इसको उबाल के बनाओ गर्म पानी में डाल के फिर नहीं होती कच्चा ये कड़वापन, लेकिन फिर भी ये खाने में बहुत ही एक तो अच्छी भी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। ऐसे आप देख रहे होंगे
इसके ग्रीन पत्ते देख के आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी काश में खंदरी है। अब इसके ऊपर ये फूल लग जाएंगे, बीज तो ये हो जाएगा। ये देखो बीज मैं दिखाती हूँ आपको, ये पक जाएगा फिर अगले साल के लिए इसका बीज रखेंगे। तो इस दूसरे इस साइड पे जो है वो मेथी है, ये देखिए आपको ये सूख के पक गई है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ बारिशों से तबाही हो गई, जो ये दिख रहा है इसका, इसके अंदर बीज होते हैं ये पक, बस ये पकेंगे तो इसके अंदर बीज लग जाएगा। ये मेथी के पौधे होते हैं, ये इस वाले सुगाड़ में जो है ना ये सब पकी हुई सब्जी है। और जो ये है पालक, ये देखो आपको मैं पालक का बीज भी दिखाती हूँ। ये है पालक का बीज, ये पालक भी पक गई है क्योंकि अब जितनी है तो वो सब नई सब्जियां लगाई हैं हमने, तो ये तकरीबन जो है इस वाले सुगाड़ में ये सब पक गया है। अब मैं आपको जो सब्जी दिखाने जा रही हूँ जिससे खून बढ़ता है, बोलते ना खून बढ़ता है खून के जैसे रंग की सब्जी, तो वो है चुकंदर। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ चुकंदर कैसा लगा है हमारे इसमें, इतनी जितनी बारिशें हुई है ना सब सुगाड़ में आने का नहीं है। ये देखिए चुकंदर, ये है चुकंदर के पत्ते, और जो ये दिख रही है ना इसके, ये जो सलाद में काट के खाते हैं सब्जी भी बनाते हैं, तो ये है चुकंदर। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये हो गई हमारे सुगाड़ में चुकंदर की। थोड़ी थोड़ी सब्जियां हैं लेकिन हैं सारी, बारिश ने ना सिर्फ जरा कुछ ज्यादा ही तबाही की है, सुगाड़ इतना लिगे लिगे हो गए। और जो ये आपको दिख रहा है ना ये है प्याज, ये देखो प्याज का फूल, इसका बीज बन रहा है, ये पक गया है। तो ये है हमारे प्याज। इसके बाद आए ये है लहसुन, जिसे हम बोलते हैं थोम। ये देखो इसकी गिल्ली भी दिख रही है, बन गई है। ये बोलते ना ये खेतों का सुगाड़ होता है, खेतों के सुगाड़ में सब्जी जो है थोम वगैरह सब अच्छा बनता है। ये देखिए आप देख रहे होंगे कितना अच्छा थोम लगा हुआ है। ये देखो ये हमारा बम्पू, ये आता है रोज फुल्का खाने गेट में, इसको बच्चे बोलते हैं बम्पर। ए बम्पर किधर चला, फुल्का खाना फुल्का। ये देखो वो दिखाते थे ना हम छोटे छोटे, एक कुत्ती के बच्चे थे तो आज देखो कितने बड़े बड़े हुए, इनको फुल्का देते अब ये कहीं नहीं जाते, अब इधर ही बैठे होते हैं। ये देखो कितने सारे इधर ही घूमते आगे पीछे। ओए क्या फुल्को खाना फुल्को, रोटी खानी खान रोटी है। आज अपने साथ साथ आपको मैं अपने किचन गार्डन की सैर करवा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ हमारे किचन गार्डन में क्या क्या है और हमारे जो पेड़ हैं फ्रूट जिन पे लगते हो तो क्या क्या लगे हुए हैं, आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ। ये देख रहे होंगे आप मेरे पीछे हैं आलू बुखारा का पेड़, देखिए आप इस पे आलू बुखारे लगे हुए हैं। तो अभी तो खट्टे हैं, थोड़ी देर के बाद ये जब थोड़ा इनको पक जाएंगे ना तो नमक मिर्ची के साथ खाने में इनको अलग से मज़ा आता है, और इनकी चटनी बनाओ वो तो ज़्यादा ही अच्छी होती है। इसलिए चटनी के साथ साथ हमने यहाँ पे साथ में देखो आप मैं दिखाती हूँ पुदीना भी लगाया है, ये देख रहे होंगे ये पुदीना भी लगा हुआ, पुदीने के पत्ते यहाँ पे लगे हुए। तो आलू बुखारे हुए यहाँ पे, पुदीना हुआ यहाँ पे, नमक मिर्ची अपने अंदर से हो गई चटनी तैयार। वो वाला किचन गार्डन जो अभी मैंने दिखाया वो हमने सर्दियों में लगाया था, तो अब वो पक गया है तो अब दूसरा लगाया है, लेकिन दूसरा इस बार देर इसलिए होगी कि बारिशें बहुत ज़्यादा थी तो लग भी नहीं रहा था कुछ। फिर भी हमने परसों मम्मी भी आए थे तो उन्होंने भी कुछ बीज लाए थे तो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हमने लगाई भिंडी और क्या हम बैठू पता नहीं क्या बोलते इसका, हम बोलते बैठू धनिया, तो ऐसे जैसे सब्जियाँ लगाई हैं छोटी छोटी। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये वाला सुगाड़ किया हमने तैयार, लेकिन इतनी बारिश इतना पानी आ रहा है इसमें, ये इतना हम बोलते पता नहीं हम बोलते लिग्गू लिग्गू बोरू एन बाड़ू तो आसमान ले गए बिना। देखो सिर्फ इसमें जो लगाया कुछ ये निकल रहा है, ये देखो छोटा छोटा जिसको हम बैठू बोलते थे, बैठू की बैठू, तो वो मम्मी ने लाए थे वो बीज वो निकल रहे, लेकिन यहाँ पे लगाए थे हमने धनिया पालक, लेकिन वो इतना बारिशें हुई हैं कि वो सारा पता नहीं लगेगा कि सड़ जाएगा। लेकिन ये देखो ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये लग रहा है छोटा छोटा, जब ग्रीन ग्रीन हो जाएगा ना फिर
जैसे मैंने अभी आपको खंदरी दिखाई ना, कास्प खंदरी, बस वैसा जैसा दिखेगा ये भी। ये दिखाया मैंने अपना किचन गार्डन जहाँ पे हमने सब्जियाँ लगाई हैं और कुछ पहले की लगी हुई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में कौन कौन से फ्रूट लगता है। फ्रूट एक तो मैंने आपको आलू बुखारा दिखाया, अब मैं दूसरा पेड़ नाशपाती का दिखाती हूँ। ये रहा, ये है नाशपाती। ये देखिए इस बार, लेकिन इस पेड़ पे इतने नाशपाती लगते हैं लेकिन इस बार कम लगे हुए हैं। जो कभी छोटे छोटे जब पक जाएंगे तो ये बड़े अच्छे थे। और इस पेड़ का जो फल है ना वो बहुत ही अच्छा है, उस पर कोई दाग नहीं लगा होता, बड़ा अच्छा फल होता है। साथ में ये गुलाब के फूल बारिश में देखो कैसे दिख रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये रही हमारी बाग जिसमें फ्रूट लगा होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बहुत सारा घास लगा हुआ क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जितनी बारिशें होंगी उतना घास लगेगा, सब्जियाँ कम लगेंगी और घास ज़्यादा लगेगा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ सेब, ये है सेब का पेड़। इस पर देख रहे होंगे आप इतने सारे सेब लगे हुए हैं। ये मीठा सेब है, अमरी सेब है ये बहुत ही अच्छा सेब होता है, इसमें बिल्कुल भी खट्टापन नहीं होता। ये देखिए आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ सेब, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। ये है सेब का पेड़। अब बाग में घास लगा हुआ है क्योंकि आज बारिश है तो आ सकती हूँ, ऐसे कीड़े का डर रहता है। ये भी दूसरी सेब है हमारे पास, तीन चार किस्मों के सेब लगे हुए हैं। ये जूम करके दिखा रही हूँ मैं, ये भी सेब का पेड़ है। और उसके बाद ये नाशपाती, ये भी सेब है ये, लेकिन ये पुराने सेब है ना, ये तो सूख गए हैं पेड़, सेब के पेड़ जो है वो सूख गए हैं। ये देखिए कितना घास लगा हुआ है, पानी 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 है। ये सब हमारी बाग में लगा हुआ है फ्रूट है, जब पकेगा आपने खाना होगा तो आपको भी भेज देंगे। अभी मैं अपने बाग के एक खास पेड़ से मिलाना, आपको मिलाना ही हुआ ना आपको, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, आप बोलो ये कौन सा पेड़ है, किस पेड़ पे ऐसा फल लगता है। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है इस पे। ये अब मैं जूम करके दिखा रही हूँ, अब आपको पता चल ही गया होगा। अब मैं बोलती हूँ ये है अनार, ये अनार का पेड़ है, लेकिन इसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये जब तक बड़े हो जाएंगे ना ये सारे गिर जाएंगे, तो ऐसे ही दो तीन, कभी हमें दो तीन ही मिले होंगे, नहीं तो जब बड़े होते होते तक ये सारे गिर जाते। आज मैंने अपने व्लॉग में आपको अपना किचन गार्डन दिखाया और अपनी बाग जहाँ पे फ्रूट लगता है वो दिखाया, तो फिर से बोल दिया मैंने। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और व्लॉग को शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।